दूसरा लोग बोला कि एक एक केंद्र में 6,000 बच्चों को दौड़ा रहा है और 12 बजे रात से लोग लाइन में लगते हैं और उनका 10-12 बजे दिन में फिर नंबर आता है, यानी रात भर बच्चे सोते नहीं। और जब कोई भी बच्चे रात भर हम भी नहीं सोएंगे तो आप समझ सकते हो क्या हालत होता है। और इसके बाद भादो की वो गर्मी में धूप में बच्चे दौड़ते हैं तो फिर मौत के सिवा और कोई नहीं है। इसलिए हेमंत सोरेन जॉब नहीं दे रही है, मौत दे रही है बच्चों को, बच्चों के साथ जैदाती कर रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस एग्जाम के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, भागदौड़ करते हैं, सालों की पढ़ाई, रात रात भर जग के पढ़ना, फिर सुबह सुबह उठकर भागदौड़ किस लिए? ताकि आपको एक अच्छा नौकरी मिल सके। हिंदुस्तान में गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सरकारी नौकरी पाना किसी बड़ी नेमत से कम नहीं होता। ऐसा इसलिए जिससे हमारा आपका परिवार का जीवन अच्छे से बीते, खुशहाल रहे, जिससे आप भी खुश रह सके। लेकिन सोचिए क्या हो कि जिस नौकरी के लिए आप इतना कुछ कर रहे होते हैं वही आपकी जान ले ले, फिर क्या हो? दरअसल झारखंड में पुलिस भर्ती परीक्षा यानी झारखंड कांस्टेबल एग्जाम के फिजिकल टेस्ट के दौरान कुछ ऐसा ही हुआ है जिसका यकीन करना मुश्किल है। जी हाँ, सही सुना है आपने, भर्ती परीक्षा के दौरान 11 अभ्यर्थियों की मौत हो गई है, जिसमें झारखंड जगवार कैंपस में जो बहाली परीक्षा चल रही है उसमें एक, गिरडी पुलिस लाइन में दो, हजारीबाग जेएपीटीसी पदमा में दो, पलामू में चार, सीटीसी मुसाबनी में एक और साहिबगंज में एक अभ्यर्थी की अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यवश जो है मृत्यु हुई। नमस्कार, मैं हूँ शारदा सिंह आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं दीकन ट्राव। दरअसल राज्य सरकार ने झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के 543 पदों के लिए भर्ती निकाली थी, जिसके लिए 4.5 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन दिया। बता दें कि पिछले 10-11 दिनों से राज्य के अलग अलग जिलों में अभ्यर्थियों के फिजिकल टेस्ट चल रहा है। इस दौरान कई छात्र बेहोश हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बेहोश होने के पीछे का वजह हीट स्ट्रोक बताया गया, लेकिन बाद में खबर आई कि इसमें कई छात्रों की मौत हो गई और ये जो मौत है वो लगातार, इस मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। आलम यह है कि अब तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक 11 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। यहाँ आपको बता दें कि मौत का ये आंकड़ा 22 अगस्त से 1 सितंबर के बीच की। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर अभ्यर्थियों की मौत क्यों हो रही है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मौत का जिम्मेदार राज्य सरकार को ही बताया है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हेमंत सरकार जॉब नहीं दे रही बल्कि ये मौत दे रही। देखिए झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी क्या कह रहे। दूसरा लोग बोला कि एक एक केंद्र में 6,000 बच्चों को दौड़ा रहा है और 12 बजे रात से लोग लाइन में लगते हैं और उनका 10-12 बजे दिन में फिर नंबर आता है, यानी रात भर बच्चे सोते नहीं है। और जब कोई भी बच्चे रात भर हम भी नहीं सोएंगे तो आप समझ सकते हो क्या हालत होता है। और इसके बाद भादो की वो गर्मी में धूप में बच्चे दौड़ते हैं तो फिर मौत के सिवा और कोई नहीं मिलेगी। इसलिए हेमंत सोरेन जॉब नहीं दे रही है, मौत दे रही है बच्चों को, बच्चों के साथ जैदाती कर रही है। बहरहाल जो इन 11 अभ्यर्थियों की मौत हुई उसके पीछे की असल वजह तो सामने नहीं आई, ये जांच का विषय है और होना भी चाहिए। जब जॉब के बदले छात्रों को मौत मिलने लगे तो ये एक बड़े सवाल या निशान खड़े करते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।